एक इतनी दर्द हो गया यार। उठ अभी जी। हमने जो है वो सुहांजना मिक्स करना शुरू कर दिया है चिकन में, क्योंकि आपको सहन जो है ना वो कैसा लग रहा है। तो ये उसने सारे पूरे घर की सफाई की है, वो भी मशीन से, लेकिन अभी ये पॉलिश नहीं हुआ। ये बास्केट के क्या हालात किए हुए हैं बेबो। हाँ जानू मेरी जान, ये गंदे कपड़े क्यों करते हो आप, मिट्टी में खेलते हो? हाँ शहजादे, ये भी समझाती नहीं है, उसकी मम्मा है। अभी कब थरमास मैंने अभी धो दिए, बर्तन जो धोने वाले थे धो दिए। ये कौन से हैं फिर? ये भी अंदर रखे थे। अच्छा, फिर मुझे जब ना मैं ना बर्तन धो के ना उधर रख गया सारे, तो जब इसने देखा ना कि मेरा हस्बैंड जो है वो बर्तन धो रहा है, तो जल्दी से अंदर वाले बर्तन भी ले आई जो 3-4 दिन से पड़े थे, तो आके धोने लग गई। एक तो मैंने कहा फायदा हुआ कुछ मेरे हलचल करने से ना, घर में कुछ हलचल हुई है। मैं धोने जा रही थी, हसन की तबीयत आपको पता है खराब है, तो वो रोने लग गया, मैं उसको उठा के बैठ गई, इसी वजह से नहीं दिया। आपको तो नहीं नजर आया कि ये पड़े हैं, मैं धो लूं, वो बच्चे को उठा देती है। अच्छा वैसे ना काफी औरतों की ना ये होती है कि वो बच्चों को अपनी ढाल बनाती हैं, मतलब कि जो भी बात करेंगे ना वो बच्चों का बहाना बनाकर ना उसको टाल मटोल करने की कोशिश करेंगी। बाकी हसन की तबीयत खराब है मैं मानता हूँ, अब घर के बर्तन मैं धोऊंगा क्या? तो आप किसान में कमी है, आप भी तो हो ना जी। नहीं नहीं खाता तो इतना तो नहीं खाता कि सारा दिन बर्तन ही धोता रहूं। तो मैं तो सारा दिन करती हूँ, उधर पूरा घर धोया है मैंने। आपने नहीं धोया, मिस्त्री कर रहा है, करंट भी छोड़ा हुआ है। अच्छा क्या लेकर आना है? हंसी निकल गई मेरा, हंसा निकल गया। चिकन ले आओ, डेढ़ किलो। डेढ़ किलो दिमाग तेरा खराब है यार, आप तो बताए तो फिर भी आप बातें करते हो। डेढ़ किलो चिकन लेके आऊं? जो आप सोच रहे हो वो नहीं हो सकता यार, वो नहीं हो सकता, खराब हो जाएगा यार। हो जाएगा, नहीं होता, मुझे पता है ना। तो अभी मैं 1 किलो चिकन लेके आता हूँ, अपने घर में पकाओ और खाएं। ना लेके आओ, मैं सामान बना के ऐसे खा लूं। अच्छा चलो ले आता हूँ यार, नाराज ना हुआ कर मुझसे। बात है रे के, बात है बात। आपको पता है मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोला? बात किधर हो इधर कैमरे के सामने बताओ ना। और ये मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा दिन जो है नाते ही पड़ता रहता है, कुछ भी नहीं कहता किसी को। हाँ सच, जब मछली पकी है तो भाई का कहता है दाल बनी है, इसे झूठ नहीं बोलता। नहीं वो तो आपको पता है ना, वो चिल मजाक होती है, भाई भी देख रहा होता है, और जब मैं कहता हूँ ना दाल पके, कितने हम हंसते हैं, हैप्पी होते हैं, वो तो जस्ट मजाक होती है। मगर आप हकीकत में बताओ, मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला? किसी और को नहीं बोलते हो, लेकिन मुझे तो बोलते हो ना। या नहीं बोलते? नहीं बोलता ना। इसको आराम आता है? स्लिप हो गया ना। तुझे क्या कर रहा था? पानी भरने गया था। तो मुझे नहीं बोलता सकता था? अच्छा अब तकरीर काम क्या करो यार, बच्चों की केयर करो, सफाई करो, अच्छा धुलाओ, पैर धुलाओ, प्यार दो, भूसा दो। एक तो बच्चे गिर जाते हैं रोते हैं, ऊपर से उनकी माए जब डांटती है ना, यकीन करें वो माए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो अपने बच्चों को डांटती है। और जो बाप प्यार करते हैं हमेशा, उस बच्चे की केयर करते हैं। पानी भर के दिया, वो फेंक दिया तो वो खुद भरेगा ना, आपको पता तो है। ऐसे ही क्यों करना चाहिए, बाप की तरह नखरे करता है, एक लगाए बाप की तरह इसको भी। क्या इधर आओ मेरे पास, इधर फिर बाबा के पास तो आते नहीं, फिर मम्मा से खल्ला ही खाओ पुत्र। बाबा ने धक्का दिया ना, बाबा ने धक्का दिया, बता आपने इसको धक्का दिया आप। माशाल्लाह जी चिकन जेड़ा है वो बन रहा है अभी, तो तकरीबन 1000 रुपए का करवाया है अभी। 1000 रुपए का भी तकरीबन थोड़ा सा ही आता है, क्योंकि महंगा बहुत है। हाँ 600 रुपए को तो किलो है ना।
ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੁੱਤਿਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਸਿਰੀ ਪਾਏ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, परेशान ना हमी मंगा देंगे तो सिरी पावे। बाहर जी बेबो जानी इंतजार में खड़ा था, तो अभी क्या लेके जा रहे हो बेबो? क्या लेके जा रहे हो? चिकन? ये देखें जी, पहुंच गए, आ गया आप। ओए होए, मिसाले भी कट गए? आपको मेरे ऊपर यकीन तो नहीं होता, फिर आज यकीन कल के मिसाले क्यों काट लिए? नहीं वो तो चिल मजाक थी, मुझे यकीन है अपने हस्बैंड पे, बीवी को यकीन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो एक और बात हो गई, यकीन आपको है कि नहीं वो बात बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खोल के खेलेंगे हुण तो इनू यकीन आ। अपने खुश फहमी ना पा के सारी जिंदगी दा यकीन। एक खेल जेड़ी है मेरी फिक्की हो गई जी, पहले तो बड़ी स्वीट लग रही सी मेरी हसी, एवं लग रहा सी जिवें मुंह चू फुल किरण डाए ने, ते होना जेड़ा हुण ते फिक्की फिक्की खेलला, मतलब आंदी नहीं ते स्माइल कर रहा वा। नहीं मैं तो कहना हमेशा हसी हैप्पी खुशी रवी है, मैं तो मेरी बेगम मैं कहना हमेशा असी हसते मुस्कुराते रवी है, साड़िया मिसाल कायम हो। हसन के साथ जो है खेल रहा है हसन, वो भी अपने भाई के पास जा रहा है, वो कहता है मुझे ना मुझे भी फूल ले दो। अच्छा कितनी ले आया गोश्त? ए 1.5 किलो गनु 100-150 ग्राम उत्ते आ जी, 1000 रुपए दी ले आ पूरी, 1000 रुपए दी। ठीक हो गया? कलेजी सुट गई है? हाँ पूरी मुर्गी अंदर पा दी कलेजी वे सारा कुछ, एक मुर्गी स्पेशल बनवाई ना। नीचे गिरा दिया ना चिकन? पता नहीं कैसे आप यो करती हो। अच्छा चंगे तरीके साफ साफ धो लो, बेहतरीन सफेद सफेद गोश्त नजर आए मुझे, ठीक है? अच्छा हाँ, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए देख के। और ये चिकन बना रही हो या सुहांजना चिकन? सुहांजना चिकन। अच्छा मजे से खाने खाएंगे इंशाल्लाह। सरदार साहब, सरदार साहब, सरदार साहब, फुल्ले खा रहे हो? हाँ जी। सब फुल्ले आप सब ने खाए हैं फुल्ले? कहाँ जा रही हो हमें छोड़ के? नहीं जा रही छोड़ के, मैं आपके गले हूँ, मैं जा रही हूँ सुहाजना लेना। किधर से? फ्रिज से। सच्ची? सच्ची। फ्रिज में रखा है? रखा है। मुझे तो बताती, मैं कच्चा खाता रहता हूँ आपको पता है। उतनी है जो आप लेने जा रही हूँ, बस और नहीं बचा। सही है खत्म करो, कोई भी नहीं आने वाला अब। ठीक है भाई, आज क्या खा रहे हैं और वो खत्म। ठीक है, अभी जी हो रही है नमाज असर का टाइम जो है वो हो रहा है, और अजानें जो हैं बस होना शुरू हो रही हैं, तो अभी नमाज असर पढ़ेंगे, गोलू मोलू को अभी सुलाते हैं। ठीक है गोलू मोलू मेरे शहजादे बेटे। तो जी प्यारे बहन भाई, अभी भाई ने बुलाया, भाई ने कहा मैं जो है घर जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहा था, तो माशाल्लाह सहन को देखें, मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे उसने सफाई की है मशीन से। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी आपको सहन जो है ना वो कैसा लग रहा है, तो ये उसने सारे पूरे घर की सफाई की है वो भी मशीन से, लेकिन अभी ये पॉलिश नहीं हुआ, ये अभी आप देख रहे हैं पॉलिश के बग़ैर। उसने कहा कि कल जो है हम सामान वगैरह पॉलिश का ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे, और कल जो है आपका घर, ओए अल्लाह ये गीला है ना, तो मैं तिलक के ढह रहा था, मतलब के गिर रहा था, तो कल कहता है पॉलिश का सामान लेके ना पूरे इस मार्बल को पॉलिश लगाएंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा VIP चमक देगा, तो कल हम आपको चेक करवाएँगे इंशाल्लाह। तो अभी तो माशाल्लाह देख लें कि कैसा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी भी, लेकिन चमक नहीं है, खाली धोया हुआ है चमक नहीं है, तो ये कल जो है इंशाल्लाह फिर चमक डालेगा। मशीन अभी उस भाई की रखी है, तो अभी हम घर चलते हैं और
घर जाके अपनी रेसिपी जो बना रहे हैं वो शेयर करते हैं जी। अभी जी हम लेके जा रहे हैं जी कढ़ाई और बेबो जानी लेके जा रहे हैं आगे। दरवाजा तो खोल दो उस बेचारे को, चलें। और अभी हम अपनी रेसिपी कर रहे हैं तैयार। ये असलम भाई की कढ़ाई है और जो हमारे वाली कढ़ाई है वो भाभी ने ना गजरेला बनाया हुआ है, उसने अभी बना रही है गजरेला। अब ये टाइट बनता है VIP मीठा गजरेला। मैंने कहा अम्मी और अब्बू तो नहीं खाते, उनको शुगर है, तो कहती नहीं वो खाएंगे, थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता। ये जी रहा सुहांजना, जो कि अभी हम बनाएंगे चिकन सुहांजना मिक्स करके। क्या सुहांजना? सुहांजना और मुर्गी, मुर्गी मुर्गी ते सुहांजना। न्यू बाल्टी रखी होगी ना, मुझे पता है क्योंकि मैं लेके ही काल आया हूँ। घम में क्यों लगा रही है ये, पिघल ही नहीं रहा, कब से डाल के बैठी हूँ। बेबो जानी आप रेसिपी पकाना सीख रहे हो, वो चाव सी काम मेरे बेटे को बताया करो, वो अपने पापा से काम नहीं करवाता। उसे पता है उसके पापा जो है ना वो काम करने से डरता है, काम जो है बेटा माँ पे गया, माँ कितना काम करता है। डालना नहीं है अभी, अभी रख दो, थोड़ी देर बाद डालेंगे। ये घी में बॉयल करोगे या मिसाले डाल के? बस ऐसे बनाते हैं, मिसाले डाल के सारा VIP ठीक हो गया। अम्मी मज़े की बात बताऊं, आधा किलो सुहांजना और 1.5 किलो मुर्गी डाल के बना रहे हैं। आधा किलो लाते अगर आप दाल देवे खिलाते हैं। ये सारा थोड़ी बनाओगी, सारा बनाओगी? थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा ना सुहांजना डाल दो, बाकी सारा ही मुर्गी डाल दो, मज़ा आएगा ना खाने में, बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह जी अभी इसमें प्याज वगैरह डाल दिए हैं। अच्छा इतनी घी डाला, ये घी इतनी लेता है क्या? सुहांजना काफी घी लेता है, अगर घी ना डालें तो फिर वो टेस्ट ही नहीं बनता और वो फूका फूका सा बन जाता है। मिसाले जी अभी डाले जा रहे हैं कटोरियों में, थोड़े थोड़े डाल के ना फिर ऐड करेंगे। आज बेबो जानी शरीफ लग रहा है साथ बैठ के, ये मिट्टी में खेलने नहीं गया ये, आज इसको मैं नहलाया भी नहीं है, ये कल नहाया था वो इस ड्रेस से, इसलिए तो इसको सुस्ती है, इसलिए साथ बैठा है। साथी बेबो मिर्ची ऐड कर दी जी, अब नमक ऐड हो रहा है। ये किस चीज का पीस पड़ा है अंदर, कलेजी का? हाँ जी। ये शौक से खाती हो ना? मैंने तो उधर घूमना हो जाए तो इधर पहले पहले हमने लहदा डाल दी है बेबो और मैंने खानी है। माशाल्लाह जी चिकन ऐड हो गया, तो अभी देखिए माशाल्लाह कैसा VIP लग रहा है। तो अभी हम इसे चंगे तरीके भून के फिर इसमें सुहांजना ऐड। कपड़ों पे जो है वो घी आ चुका है। ओए यार ये कपड़े खराब कर दिए तूने, ये आपको पहले कहा था, मैंने कहा अहमद अपना बचाओ आपने करना, ये धोई जाएंगे ना? हाँ उतर तो जाएंगे, बस फिर क्या टेंशन है, अभी तो खराब हो गया ना पर्सनालिटी तो खराब हो गई। मैंने कौन सा लंदन जा रहा हूँ अभी। अभी जी ये थोड़ा सा चिकन भुना हुआ ना अबू के लिए निकाला है, अबू ये ना खा लेते हैं शौक से, तो अभी अबू को देते हैं ये वाला चिकन। ये तेरे सिर दर्द है क्या? एक बुखार है रतों का। बुखार है? हाँ, शाम को फिर इंजेक्शन लगवा लेना, दो इंजेक्शन, डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, फिट हो जाओगे। हाय हाय हो गया गजरेला तैयार। हाँ जी अभी जी हमने जो है वो सुहांजना मिक्स करना शुरू कर दिया है चिकन में, क्योंकि चिकन हमारा रेडी हो गया था। माशाल्लाह जी सुहांजना रेडी हो गया है जी, हो गया। तो ये देखें जी सुहांजना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी हम मजे उड़ाएंगे और खाएंगे। बेबो जानी तो राज गया टाइम से, चिकन भी खाया, गजरेला भी खाया। इसका हिस्सा रखूंगी, सुबह 5 बजे उठता है, आपको पता है कैसे धाड़ियां होती है इसकी। हाँ, सुबह 5 बजे खाओगे? नहीं नहीं खाएगा, वो तो उस टाइम पता चलेगा जब बकाट होते हैं आपके। ये कहता है मैं उठता तो 12 बजे हूँ। 6-7 बजे उठता है ये,
जल्दी जल्दी चाय पापे चाय या कोई चीज खा के फिर सो जाता है। चाय का कप पी के फिर सो जाता है। माशाल्लाह जी ये देखें सालन हमारा जो है बिल्कुल हो चुका रेडी, और इधर जो है अभी गूंद रही है आटा। कितनी रोटियों का गूंद रही है? तीन दो पांच एक सात, सात दो आठ, नौ रोटियां। सही है ये, दस तो कर लेंगे वो एक बेबो। अभी जी खाना बनाना जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब के रोटी अभी चूल्हा जलाएगी। चूल्हा जला के ये देखें आटा इसने गूंद के रखा है दो तीन रोटियों का। ओ माशाल्लाह 2, 4, 6, 7 बाकी आटा रख देना ना सुबह बना लेना। नहीं आटा खराब हो जाता है, काला हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो फिर ये क्या करोगे सारी रोटी? बच्चे की मैं रख दूंगी, सुबह गर्म करके ओवन में खा लेंगे बस। हाँ ये बात ठीक है। नहीं नहीं गलत। बेबो इधर आ जाओ, सिलेंडर से हट जाओ, इसके साथ से हट जाओ, ये मैंने गीला किया है, चिपक जाएगा। अच्छा माशाल्लाह बेबो जानी हाथ धो रहे हो, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। ले आए दूध शूध? हाँ जी। सही है, दे दो उधर अम्मी जान को दे दो। तो जी अभी हो चुकी है शाम और मोहम्मद हसन जो है वो रो रहा था, तो अब्बू जी कर रहे हैं उसको दम। अब बेबो आपको दम करवाएं, आप रोते हो, तो अब्बू जी दम करते हैं तो फिर ये सुकून से सोया रहता है। हाँ जी, रात भी दम करवाया था, आज भी करवाएंगे, कल भी करवाएंगे। हाँ 3 दिन दम करवाते हैं ना तो फिर सुकून में होता है। आप भी करवाते हो? भी ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है ना, तो अब्बू भी जल्दी ऐसे कर, ऐसे ऐसे करता है। चार पांच फूके मारे हैं हसन को इसने। सच बेबो आप भी दम करोगे? हाँ इसकी आंखें लाल हो गई है, नींद आने वाली है इसको। हाँ बस अभी सोया हुआ है, पूरा सो हुआ बैठा है, अभी खाना शाना भी फुल होके खाया है इसने, तो बस अभी नींद करेगा। तो जी प्यारे बहन भाइयों अभी हम जा रहे हैं न्यू घर में, ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं। नंबरदार आप चलो यार, हम ना हाँ घर दिखाएंगे, आपने हमारा कैमरा मैन कर, ठीक है। कहाँ जा रहे थे आपकी तरफ आ रहा था क्योंकि खाना वगैरह खा लेते हैं ना जब, फिर ये हमारे पास आ जाए। हवा बहुत ठंडी चल रही है और आज तो पूरे घर के बल्ला वगैरह भी बंद है, बस एक ये बाहर वाला तो सारा दिन चलता रहा ना। अभी जहाँ जूतियाँ उतारो यहाँ पे उतार के फिर, क्योंकि ये सारा उन्होंने कहा मिट्टी भी नहीं करना, आप गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो मिट्टी तो होगा, मिट्टी भी होगी। चलो सारे बल्ब चलाओ और इसको ना सुलाओ बेबी को। हाँ आराम से फिसलना जाना, आराम से चलो क्योंकि गीला है ना। ये भी बल्ब जले हुए हैं, उधर भी जले हुए हैं, सारे जले हुए हैं, ये ऑटोमेटिक वो भी जले हुए हैं, ऑटोमेटिक चल जाते हैं यार। ये देख बटन डाला हुआ है इसका, हालांकि मैंने सुबह सारे बंद किए थे, ये चला हुआ है। तो माशाल्लाह जी ये देखे, तो अभी हमारा हाउस जो है ना वो आपको कैसा लग रहा है? बेबी को सुला दिया ना, अब मैं तुझे बताता हूँ अच्छी तरह। तो जी प्यारा बहन भाइयों अभी जो है आपको हम तो ये क्या हुआ, कितनी दर्द हो गया यार। एक मिनट सब्र कर, तू तुझे कहा तो आराम से चल। मैं खुद भागी, थोड़ी पिछ पाँव फिसल गया मेरा। आराम से आपने चलना है, फर्श जो है ना वो गीला है तो इस वजह से फिर ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। हाँ तो जी प्यारे बहन भाइयों अभी सबा कुछ है वो मैंने सुला दिया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि गिरी है ना तो जैसे एक तरसा उठता है, साफ ज़रा नीचे मार्बल है और गीला पानी भी अभी इसमें है, तो आपको पता है शूज़ वगैरह हम बाहर उतार के आए थे
तो अभी मैंने कहा आप रेस्ट करो, तो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है कि वो ठीक हो जाए। अभी डॉक्टर को फ़ोन किया है, वो दर्द वगैरह के जो पेन के इंजेक्शन होते हैं वो लगाएगा, तो इंशाल्लाह तो मज़ीद जो है कल वीडियो शेयर करेंगे और कल वो इंशाल्लाह ठीक होगी तो फिर वो बताएगी कि वो ठीक है या नहीं है, तो सब चीज़ कल शेयर करेंगे। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, साहब बिन भाई जिंदाबाद।